यहाँ पे कहाँ तक है वो? लास्ट पेड तक। हाँ लास्ट तक है, सारा ही स्टेट लैंड है बेसिकली आगे तक, बट ये कि 40 कनाल इसमें से जो बनेगा वो पार्क वो भी बता देना। जी बताएं शाहनवाज साहब, आप डीडीसी मेंबर सुनकोट एमी हैं, आज आपने यहाँ पर जो है विजिट किया है और साथ में आपके कोई टीम भी आई है आईटीआई के सामने, इस पर आप बताएं। देखिए मैंने सबसे पहले जो है एक तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट बना के जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजा था, क्योंकि इस तहसील सुरनकोट क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, मगर यहाँ एक भी पार्क पूरे इस इलाके में नहीं है, एक भी जगह नहीं है जहाँ स्कूल के बच्चे जा सकें या सुरनकोट टाउन के लोग जो है शाम को कहीं जा सकें। तो मैंने एक प्रपोजल मूव किया था, वो प्रपोजल थ्रू हो गया, उसका अप्रूवल हो गया। आज जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम है वहाँ से कंसल्टेंट और इंजीनियर्स आए हैं फाइनल एक बार रिव्यू करने, उस प्रोजेक्ट को फाइनल शेप देने, और उसके बाद करीब 1 करोड़ रुपये जो अब इमीडिएटली इस पर के लिए रिलीज़ हो जाएगा। मैं उसके लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के कमीशन सेक्रेटरी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो डायरेक्टर टूरिज्म प्लानिंग है काकू साहब उनका, डायरेक्टर टूरिज़म का, कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत पीछा किया। पहले उन्होंने इसके लिए अप्रूवल नहीं हो रहा था, मगर बहुत पुश करने के बाद कि ये सुरनकोट में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आएगा, ये सुरनकोट के लोगों को भी मुबारकबाद है। मेरे साथ वही शाह साहब हैं, सरपंच सनई सिकंदर नूरानी साहब हैं, सरपंच हाड़ी, और इसके अलावा जितने लोग हैं यहाँ के, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ हमेशा कोऑपरेशन रखा, और हम लोग ये जो प्रोजेक्ट चाहिए है ये साथ में स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये हम थ्रू करवा पाए। ये प्रोजेक्ट जो है ये जिसको मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये मैंने खुद यहाँ बनवाया था उसको टैक्सिंग टूरिज्म को बुलवा थी, और ये इस प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये मैंने इमीडिएटली ये जब चिट्ठी लिखी मैंने ये इसको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और उन्होंने फिर जो है वो एग्जिन आई यहाँ पे और सारी जो है जो प्रोसेस था उसका फॉलो किया सारी चिट्ठी, और ये मैंने प्रोजेक्ट खुद जो है साथ रह के एग्जिन को यहाँ ये प्रोजेक्ट बनवाया था, और यही प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है। उसके बाद आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम आई है इसको फाइनल शेप देने, और 1 करोड़ रुपए इस साल उसके लिए रिलीज़ भी होगा। ये सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि एक भी ऐसी जगह नहीं था जहाँ सुरनकोट के लोग जो है वो सैर व तफरीक के लिए जा सकें, क्योंकि एक पार्क जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुरनकोट में आना, ये सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए सुरनकोट के लोगों को इसके लिए मुबारकबाद दी। ये सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि एक भी ऐसी जगह नहीं था जहाँ सुरनकोट के लोग जो है वो सैर व तफरीक के लिए जा सकें, क्योंकि एक पार्क जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट सुरनकोट में आना, ये सुरनकोट के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए सुरनकोट के लोगों को इसकी मुबारकबाद दी।